हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बचे हुए कपड़े से हेयर बैंड कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो हमने ये 2 इंच चौड़ी जैसे हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 20 इंच लंबी ये हमने पट्टी ली है और इसमें डालने के लिए हमने ये इलास्टिक लिया है। अब इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, अब इसको हम पलटी कर लेते हैं, यानी कि ये डोरी जैसा हम इसको बनाते हैं। अब इसको सुई धागे से हम इसको पलटी कर लेते हैं। धागे को थोड़ा खींचना है। अब ये जो इलास्टिक हमने लिया है, इलास्टिक को हम एक छोटी सी गांठ लगाएंगे और इस साइड से हम पिन में डाल के इसके अंदर हम ये इलास्टिक इस तरह से डालते हैं। अब ये जो गांठ हमने लगाई थी इसको खोल के फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे इस तरह से हम अभी सिलाई लगाते हैं। आप चाहे तो इस सुई धागे से भी इसको पैक कर सकते हैं, नहीं तो मशीन पे भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। अब जो इलास्टिक है उसको हम अंदर के साइड से इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमारा ये हेयर बेल्ट तैयार हो गया है। आप चाहे तो आपको इसमें चौड़ा चाहिए तो आप चौड़ा भी बना सकते हैं, और जैसे ये नॉर्मल हमने इस तरह से बनाया है।